Alright guys, welcome back to the new car motovlogging video. जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी मैं यहाँ से निकलने लगा हूँ. मैं यहाँ पे आया था जियो के ऑफिस में सुबह सुबह ही आ गया. मैं जियो के ऑफिस में देख सकते हो. तो अब बात कुछ ऐसी है कि ऑफिस तो बंद है क्योंकि बारिश हो रही है. वैसे टाइमिंग मैंने कल पूछा था उनसे एंड आई आस्क्ड हिम दैट कि कब खुलेगा. तो उसने मुझे बोला था कि 10 बजे खुलेगा. आप देख सकते हो टाइम पूरे 10 बज रखे हैं. वहाँ पे 10:13 हो रखे हैं पर बारिश की वजह से हो सकता है लेट हो गया वो. तो अब जैसे कि वो लेट है वो तो अब फिर अब हमें घर ही जाना पड़ेगा क्योंकि कितना लेट होगा वो हमें मालूम नहीं है. मैं तो अपने टाइम पे आ गया था. मुझे सिम के साथ काम था, मतलब सिम मुझे रिप्लेस करवानी है. तो या अब हम ट्रैफिक होते हुए निकल रहे हैं घर के लिए. अब शाम में देखेंगे, शाम में आऊंगा मैं फिर से. अगर हो पाया तो, नहीं तो इसको हम मंडे पे ट्रांसफर कर देते हैं क्योंकि ये काम इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ना. तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रैफिक. तो गाइस आप मुझे ना बताना कि आपको मतलब किस ये जिस तरह से मैं एडिटिंग करने की कर रहा हूँ आपको ये सही लग रही है, मतलब आपको ठीक लग रहा है. क्योंकि आगे आने वाले टाइम में अगर ये हमारा कंसेप्ट तो सक्सेसफुल होता है तो अगर ये हमारा कंसेप्ट जो है सक्सेसफुल होता है तो फिर हम जो है मतलब इंडिया कवर अप करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, जो मेरा टारगेट है मैंने पहले भी आपको बताया होगा. बट राइट नाउ अभी हमारा तो यही सीन है कि हमें जो है देखना क्योंकि अभी मुझे अभी मैं मतलब अपने वर्क में भी जिसमें जॉब करता हूँ तो फिर उसमें भी बहुत ज्यादा मैं मतलब बिजी हूँ बहुत ही ज्यादा. सो एंड आई एम वर्किंग ऑन ह्यूज स्टफ. जैसे आप देख सोच सकते हो मैं बहुत ज्यादा स्टफ पे जो काम कर रहा हूँ ऑलरेडी. सो आई होप कि एक ना एक दिन तो हम जो है इस दुनिया में अपनी पहचान बना लें, है ना. तो एक दिन इस दुनिया में दुनिया मुझे जानेगी जैसे आप लोग मुझे जानोगे, मैं आपको जानूंगा. हम एक दूसरे को जानना जानी करेंगे और फिर हम क्या करेंगे या बातें किया करेंगे, मजे किया करेंगे, इंजॉय किया करेंगे. तो अभी हमें जो है यहाँ से लेना है मुझे आगे से राइट की ओर जाना मुझे जो गलत. ये जो दीदी अभी आ रहे थे ना, ये दीदी ने पूरा गलत मतलब गलत साइड से आ रही थी. उनकी दूसरी साइड पे थी लेट. ठीक है इट्स गर्ल एनी. ओह शिट, यही थी ना आपसे बातें कर रहा था. अभी जो टायर था ना हुआ क्या आपको बताता हूँ क्या होगा. एक होता ना कि जैसे बीच में से अप है और साइडों से डाउन है तो वही टायर जो है बीच में गया और मुझे लगा लग गई कार नीचे से. भाई जीप है भाई, ब्रेक मार लो, मजाक नहीं कर रहा. उसकी गाड़ी का कुछ नहीं जाना, अपनी की धनिया हो जाएगी यहाँ से. क्योंकि मारुति है यार बिल्ड क्वालिटी, मतलब जो सच्चाई है वो ये मारुति की बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है. That's the truth. This is the truth. मतलब मारुति देखो मैं बताता हूँ. देखो पहली बात तो ये है कि अब ऐसा तो है नहीं कि तुमने मतलब रफ ड्राइविंग या फिर रफ चलाना. आर यू गेटिंग अ परमिट टाइम से, ठीक है. एंड दूसरी चीज ये है कि जो रफ चलाते हैं ये उन्हीं के लिए है सेफ्टी. एंड तो सबके लिए है सेफ्टी तो, बट मेन चीज यहाँ पर जो आती है ना वो ये आ जाती है कि अब जैसे कार मतलब जो मुझे लगता है कंपनी कैसे कार को डिजाइन करती है. कंपनी देखो कार का मेन मकसद क्या है, ट्रैवल एक जगह से दूसरी जगह जाना सेफ्टी पर्पस के लिए, मतलब जो भी वो एयर बैग्स वगैरह वो सब देते हैं, ठीक है. जो कंपनीज है वो ये सोच के तो कार बनाती नहीं है कि तुमने ये वाली कार को मतलब जैसे 200-300 जैसे बुगाटी वेरोन चली जाती है वैसे चलाना, उस पर्पज से तो बनी नहीं है, समझ लो ना. जितना ज्यादा स्पीड है तो फिर उसकी टफनेस भी और सेफ्टी मेजर्स भी उतनी ज्यादा डालने पड़ते हैं कार के अंदर, समझ लो ना व्हाट आई एम सेइंग. पर लोग चले लोग इन गाड़ियों को उड़ाते हुए लेके जाते तो फिर ऐसे नहीं ना बात बनेगी. बाकी ऐसा नहीं है कि फास्ट नहीं चलानी, फास्ट तब चलाओ जब व्हेन यू आर श्योर कि कोई दिक्कत देने वाली खाली रोड है एकदम और एकदम सीधी रोड है. मेन देखो दो चीजें होती है, जब आप खाली रोड पे भी फास्ट चला रहे होते हो ना तो अगर अचानक से कोई खड्डा आ गया और आपने फास्ट में कट मार लिया. देखो अगर तो कार तुम्हारी एकदम सीधी सीधी जा रही है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना. इफ अगर तुम्हारी जो गाड़ी है वो सीधी सीधी चल रही है, पर अगर तुम्हारी कार सीधी सीधी मतलब अगर जैसे होता ना एकदम तुमने वो काटा कोई टर्न लिया
तो फिर दिक्कतें हो जाती हैं, ऐसे तो कोई मतलब कुछ खास दिक्कत नहीं होती। समझ में सीधी मैंने खुद चलाई है, जैसे जब क्योंकि जब मैंने जब मैं श्योर हूँ जैसे खाली रोड है तो फिर तो चलाओ, क्योंकि जितना जल्दी ट्रेवल कर सकते हो डिस्टेंस कवर कर सकते हो करो, अच्छी बात है। ये दिल्ली की गाड़ी है वो अकॉर्डिंग टू मी है ना वहाँ पे जा रही है लेह लद्दाख, क्योंकि इधर को अपनी लेह लद्दाख की ओर चला जाता रास्ता ही लेह लद्दाख की सूची में नहीं सही था यार, मतलब लिख के करवा देंगे मेरी सूची से कुछ आते नहीं लाफ। ओके पीछे से ट्रक आ रहा है, ट्रक वाले उसको हमेशा बच के रहना क्योंकि ट्रक इज लाइक हाथी, एजेंसियां उड़ जाएगी तो तुम्हारी कार की, समझ रहे हो ना। चलो भाई अब फोर बस तो गाइस आप मुझे बताना यार कमेंट सेक्शन में आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, एंड या अभी हम देखते हैं आगे हम अभी हम क्या कर सकते हैं आगे। यस लेट्स सी, मोस्ट प्रोबेबली अच्छा ही हो, मतलब मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, मतलब आई एम रियली ट्राइंग हार्ड हार्ड टू कम अप विद आइडियाज, और अच्छी बात है यार दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए, मजा आता है ब्रेन इस्तेमाल करने में, समझ रहे हो ना। पर ये पर उस वक्त नहीं उड़ जाते जब हम कैंपर से जाने के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो फिर मैं यार वो क्या कहते हैं बात नहीं रहती हो जाता है, क्या कहते हैं बड़ा गुस्सा सा आता है एक तरह से, तो वो भी सही नहीं लगता। खैर हम क्या ही कर सकते हैं, हर एक इंसान की अपनी अपनी क्या होती है उसको वो होती है यार क्या होती है इच्छाएं, किसी को हम जब यार जो अगर उनको पसंद आ रही थी किसी ये कभी आ रही थी नॉट सी दैट्स ऑल। और सामने वाले उसको भाई क्या बात है नाइट्रोजन जा रहा है लिक्विड नाइट्रोजन जा रहा है वो कुछ लिखा हुआ है ना रेफ्रिजरेटेड लिक्विड नाइट्रोजन इस वाले टैंकर में रेफ्रिजरेटेड तुम्हें गूगल मैप इसी रोड पे लेके आएगा। खाली है रोड निकाल लो भाई। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं एंड अभी हम पहुंच जाएंगे ओके वो देखो वहां पे भी इसको तो जी जलंधर सीधे चली जा रही है रोड। अभी मुझे यहाँ से लेना है लेफ्ट, ये जो आर्मी का ट्रक जा रहा है इसको निकलने दो भाई, मैंने हमेशा बोला पंगा नहीं लेने दो, पंगा तो बिल्कुल नहीं लेने का यार, मैं क्यों के पीछे लगा रहा हूँ बेवकूफों की तरह। ये वो टॉयलेट जा रहा है, टॉयलेट का जो था ना पोर्टेबल टॉयलेट्स जो होते हैं वो। सो ऑलराइट गाइस ठीक है अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, सो टिल देन बाय बाय।